खबरें जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हो जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक और शहर से लेके गांव तक हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद हरदोई में पिछले दिनों जो शिकायतें मिली हैं या स्वयं लेखपाल लोगों द्वारा जांच की गई है उसमें कुल 193 तालाब या जल संचयन क्षेत्र पे अवैध कब्जे की शिकायतें मिली थी और उन समस्त 193 से अवैध कब्जे हटाए जा चुके हैं। वर्तमान में 2 तालाबों पे अभी भी अवैध कब्जा है लेकिन उसमें न्यायालय में वाद विचाराधीन होने की वजह से उन पे हटाने का अवैध कब्जा भी कार्रवाई संपन्न नहीं की जा सकी है। और निरंतर जो भी सूचनाएं तालाबों पर अवैध कब्जे की मिलती हैं इस पर तहसील स्तर सक्षम कार्रवाई करके उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाता है। देखिए, प्रशासन को अगर कार्रवाई करनी होती तब तक कर देती। तालाबों पर कब्जे एक दिन में तो हुए नहीं। मैं सुना कहता हूँ कि तालाबों के पर कब्जे जो हुए हैं उनमें सबसे पहले जिसके हल्के में तालाब आते हैं उस लेखपाल पर FIR दर्ज होनी चाहिए कि वो अतिक्रमण हुआ कैसे। दूसरा, प्रशासन की कोई ऐसी मंशा ही नहीं है। तालाब प्रशासन की मिली भगत से कब्जा किए गए, चाहे बाबा का ताल हो, चाहे नानागंज का घाटा संख्या 840 हो, चाहे सांडी रोड की झाबर हो, चाहे आपका बाबा मंदिर के पीछे के तालाब हो, जितने तालाब कब्जा हुए सब ADM साहब और SDM साहब की मिली भगत से तालाब कब्जा हुए और FIR होनी चाहिए लेखपाल पर। सारे तालाब पाटे गए। नानागंज का लक्ष्मी धर्मकांटा के पीछे का पूरा 12 बीघे का तालाब पाटा गया है। बाबा का ताल रेलवेगंज पूरा पटा हुआ है। उसके अलावा आप नगेटा में आ जाइए, बेला ताली में पूरा उत्सव होटल तालाब पाट कर बन रहा है और पीछे उसका पटान चल रहा है। क्या ये दिखा नहीं पड़ रहा प्रशासन को? क्या इससे ये नहीं लगता कि अपना जो वाटर लेवल है वो कम नहीं होता है? क्या जरूर, वाटर लेवल तो कम हो ही रहा है लेकिन भूमि संरक्षण ज़्यादा भ्रष्टाचार संरक्षण जरूरी है ना प्रशासन के लिए। क्या करेंगे, भूगर्भ जल के लिए जो पैसा आता है उससे तो उनके पानी की टंकियाँ गर्म हो रही हैं ना। जो DM साहब और ADM साहब बैठे हैं ना उन्हें गर्म पानी से नहाने की ज़्यादा ज़रूरत है। गरीब आदमी के लिए बचे ना बचे,